हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ विश्वकर्मा। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं दी सौरभ विजिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो आवास मिला है, ग्रामीण आवास मिला है, तो आप लोगों को कैसे उसकी फोटो अपलोड करनी है। पहली किस्त आप लोगों के खाते में आ चुकी होगी, दूसरी किस्त के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी किस्त के लिए क्या करना है आपको, कैसे अपलोड करना है फोटो, वो मैं बताऊंगा। इसके लिए दो प्रोसीजर होते हैं, एक तो होता है आपका जो अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, तो उस वो क्या करेगा आपके आवास का निरीक्षण करेगा और उस वो देखेगा कि आवास जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से बन चुका है, जो निर्माण हो चुका है, तो वो फोटो खींच देगा और आपकी दूसरी किस्त दो चार दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। यदि आपका किसी कारणवश कोई अधिकारी आपका जाँच करने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, या सचिव आपके पास नहीं आ रहा है आपकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो आप लोग खुद से फ़ोटो अपलोड कैसे करेंगे मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सबसे पहले एक स्मार्टफोन की आवश्यकता है, यानी टच मोबाइल की आवश्यकता है, और दूसरी जो आप लोगों को मोबाइल में एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, उसका नाम है आवास ऐप नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्शन लॉगिन का, तो उसके नीचे एक ऑप्शन है बेनिफिशियरी लॉगिन का। आप लोग बेनिफिशियरी लॉगिन पे आप लोग लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत रजिस्ट्रेशन आपको मिला है। अगर आप लोगों को नहीं पता कहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों के पास मोबाइल नंबर तो होगा ही, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, नहीं है तो आपका आधार नंबर होगा, उसके माध्यम से आप लोग बेनिफिशियरी लॉगिन पे जाएंगे, वो डिटेल भर देंगे, उसके बाद आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आप लोग इसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को एक OTP आएगा, OTP आने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, फिजिकल पे जाएंगे, दो तीन ऑप्शन आएंगे, एक तो जो फाइनेंशियल, एक तो फिजिकल, एक होगा आपका बायो के बारे में, जो मतलब आपका नाम वगैरह शो होगा जिस पे, ठीक है। तो आप लोगों को फिजिकल के बारे में यानी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, बीच वाले पे। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को तमाम जो है फोटो, कुछ फोटो अपलोड हो जाएंगे, पहले ही से मिलेंगे, वेरीफाइड भी मिलेगा लिख के, क्योंकि वो फोटो आपका जब आवास निर्माण नहीं हुआ था, यानी जो आपका साइड थी, जो पहले आप लोगों का आवास कच्चा था, उसकी फोटो अपलोड हुई होगी, उसके नीचे जस्ट आप लोगों को आया होगा कि फाउंडेशन के लिए आप लोगों को फोटो अपलोड करना है, तो आप लोग जो वेरीफाइड है वो तो छोड़ दीजिए, बाकी अपलोड जहाँ जहाँ लिखा है उसमें आप लोगों को फोटो अपलोड कर देनी है। कैसे करेंगे, एक तो आप लोगों को सेल्फी अपलोड करना है और बाकी तीन फोटो बैक कैमरा से आप लोगों को खींचनी होगी। खींचने के चाहिए आप लोगों को आवास के पीछे फोटो आ जाने, मतलब आवास निर्माण आ जाना चाहिए, और जो आपका मतलब जिसके नाम से आवास है उसको उस फोटो के अंदर आना चाहिए, ठीक है। आप लोग खुद का अपने आवास की फोटो खींचना है, ना कि किसी दूसरे के आवास की खींचते हैं, आप लोग इस गलत काम बिल्कुल नहीं करना, आप लोग खुद से खींचना अपनी फोटो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का वेरीफाइड हो जाएगा, एक दो दिन में वेरीफाइड हो जाएगा ब्लॉक के द्वारा, एक खंड विकास अधिकारी के द्वारा वेरीफाइड होता है, और वेरीफाइड एक बार हो जाने के बाद आपका FTO जनरेट हो जाता है। FTO जनरेट होने के बाद आपका अकाउंट में PFMS के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। आपका अकाउंट में जब पैसा आ जाएगा तो उसके बाद आप लोग अपना विड्रॉल कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, थर्ड स्टेज जो होती है, यानी 10,000 की जो किस्त, मतलब 10,000 का जो इंस्टॉलमेंट आता है, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको फिर से फोटो अपलोड करनी है, तो सेम यही विधि रहेगी, यही माध्यम रहेगा। उसके बाद आप लोग अपलोड कर दीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल के। थैंक यू, बाय बाय।